देखो ये सबसे पहले हमारा इसमें शोल्डर है 17 शोल्डर है, 22 है पे 15, स्लिप लेंथ है 23.5 और उसका बॉटम है 10.5 10.5 और स्लिम फिट है ये। उसके बाद चेस्ट है हमारा 40 चेस्ट है, ये लूजिंग दे रखा है 3.5 की, ये चेस्ट है 40 और वेस्ट है हमारा 37 37, हिप है 40.5 40.5 और कोट की लेंथ है 28। तो कोट की हम लोग बैक काटते हैं, जुड़े रहिए भाइयों, अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी मालूम पड़ेगा। क्रॉस बैक है 17.5। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले निशान लगाया मैंने ये 1.25 का, और उसके बाद 2 सूत का निशान लगाया ये। ये निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग कोट की लंबाई रखेंगे, जैसे अभी यहाँ से हम लोग रखेंगे 1.25 इंची, और 40 चेस्ट है तो हम लोग 10 इंची रखेंगे और 1.5 इंची ऊपर करेंगे, और उसके बाद लंबाई हमारी 28, तो 16 इंची यहाँ पर रखेंगे और 28 3 इंची का फोल्ड रखेंगे, कपड़ा मार्जिन रखेंगे बैक में, और ये निशान हम लोग सारे उठा लेंगे ऐसे, सीधे निशान उठा लेंगे सारे ये, और उसके बाद ये निशान लगाएंगे एक 2 इंची, 2 पौने 2 अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मार्जिन का है ये। और उसके बाद ये ऐसे कमर की शेप के लिए लगाएंगे हल्का सा यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे थोड़ा शेप दे देंगे हल्का सा ताकि मूवमेंट्स मिलता रहे, और उसके बाद लगाएंगे ये 3.25 1 सूत, 3.5 में 1 सूत कम लगाएंगे, चाहिए से 40 से भी लगा सकते हैं, और शोल्डर है हमारा 17.5, तो 1.25 होता है, 1/2 इंची का मार्जिन आ जाएगा, 1.75 सवा इंच कर कम करके नीचे रख देंगे, और उसके बाद इसे 40 से लगाएंगे, 37 है तो ये 18 है, यहाँ पे 18 है, 18.5, ये 17 आ गया, 1/2 इंची का मार्जिन आ गया, फिर यहाँ पे 40.5 है और 2 सूत मार्जिन आ गया, ये निशान सीधा कर लेंगे, से 40 इसको रख देंगे, एल 40 को से 40 लेंगे, ये निशान ऐसे लगाएंगे, एक निशान ये ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद हल्का सा शेप दे देंगे ऐसे, फिर से 40 ऐसे उल्टी रखेंगे ऐसे आ जाएगा, इसे ऐड करके निशान लगाएंगे, 1/2 इंची का भी निशान लगा सकते हैं, 1/2 इंची का निशान लगाएंगे चलेगा ठीक है, और ये वाला निशान हम लोग कंधे का निशान भी ऐसे करके हल्का शेप दे देंगे शेप ठीक है, अंदर से देने का है, और ये ऐसे निशान लगा देंगे। तो भाइयों हमारी बैक कट गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक मत करो चलेगा, लेकिन क्या ना आपके दोस्तों को भेज दो, जिसको ज़रूरत है उसको भेज दो सीखने के लिए, ये हमारी बैक कट गई है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग फ्रंट काटना, और फिर उसके बाद आस्तीन स्लिप काटना सिखाएंगे।